नमस्कार, मैं मुमताज आलम और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार न्यूज। अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के मालीघाट गांव में। ये पूर्व मंत्री रमण राम जी का मकान हुआ। उनसे जानना चाहते हैं कि अब यहाँ का जो विधान परिषद का सीट है, अब यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, उनके बारे में वो क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उनका अभी स्थिति बहुत ख़राब है। उनको समय पर पोटाश नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा और बिया नहीं मिल रहा, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आपको जानकारी है कि जो कमल इंजन की सरकार है या किसान विरोधी सरकार है, केंद्र में केस जो कानून बना उसके विरोध में कई वर्षों से संघर्ष चल रहा है। बिहार में किसान में तो कोई पूछने वाला है भी नहीं, इसलिए किसान संगठित नहीं है। आज अतिवृष्टि होने के कारण खेतों में पानी लगे हुए हैं, सब फसल बर्बाद हो चुका है। किसान के खाने पर लाने पड़ रहा है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। खेती के समय न खाद मिला न बीज मिला, जिस कारण लोग टाइम मांग किसान बेचैन व्याकुल है, परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लाख हम कह दे, लोग कह दे, लेकिन नीतीश कुमार बात को सुनने वाले न नीतीश सरकार सुनने वाली नहीं है। तो और आए दिन दारू से कई जगह जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपसे कहना चाहते हैं, जहाँ विधानसभा परिषद में शराब के बोतलें मिलती हैं, कचहरी में कलेक्टर के सामने मुझे शराब के बोतलें मिलती है, तो कहाँ बंद है हमको समझ नहीं आता। हमको नीतीश कुमार समझा दे, एक मंच पर बैठे वो अपनी बात रखे हम बताएंगे। आज घर घर में शराब बन रहा है, देसी शराब के नाम पर जो जानता भी नहीं था, बुड़बक से बुड़बक आदमी जो ना समझ ना जानकार है, वैसे लोग भी शराब बनाकर बेच रहा और उस धंधे में लगे हैं। शराब में आय का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है, कमाई का धंधा बन चुका है। तो लोग बार बार जेल जाते हैं आते हैं, इस काम से मुक्ति नहीं पाते हैं, लगातार इस काम लगे हुए हैं। लाख कड़ाई के बाद भी इतने शराब कहाँ आ रहे हैं, ये सरकार को पता है? सरकार का यह आमदनी का जरिया, इसके शराबबंदी होने से सरकार को लाभ है, जबकि जनता को नुकसान है। नुकसान इस माने जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, अकलियत के लोग, किसी तरह के कोई लोग इस बात के साथ में सब जेल के सलाके में बंद है, उसके देखने वाला कोई नहीं है। शराबबंदी करना था नीतीश कुमार, गाँव गाँव में, पंचायत में, प्रखंड में, बाहर आप हार बाजार में शराब का ठेका देकर दुकान खुलवाया था, इसको पहले नहीं खुलवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले सस्ता लगाकर बाद में बंद किया। बंद करने से सरकार को लाभ हो सकता, जनता का लाभ नहीं, कतई नहीं। जी, जनता के लाभ नहीं है। और आने वाला बोचहां विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? कहना है, अब पिछली बार चुनाव लड़े थे, हम पराजित हुए, फिर भी हम सभी तरह से हम स्वस्थ और ठीक है। फिर अब चाहते हैं तेजस्वी हमारे जो नेता हैं, जो युवा तुर्क है, उनकी इच्छा है कि युवाओं को लाभ मिले। हम पार्टी के काम और राज्य के अन्य काम में अपने पार्टिसिपेट हिस्सा लेंगे, जाएंगे राज्य के कोने में पार्टी को प्रचार प्रसार करने में, लेकिन हम चाहते हैं इस आसन्न चुनाव में आने वाले जो उपचुनाव उसमें हमारी बेटी गीता कुमारी, डॉक्टर गीता कुमारी चुनाव लड़ेगी और इसके लिए हम प्रयास रहना है। तो आप चुनाव लड़ेंगी? चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपकी बेटी डॉक्टर गीता देवी जी चुनाव लड़ेंगी, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और
ये आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर गीता कुमारी। आप ही है डॉक्टर गीता कुमारी। बधाई हो कि आप अब राजनीति में कदम रख रही हैं। तो नहीं, मैं सिरा चुकी हूं जी। हम पूर्व सदस्य विधान परिषद रह चुके हैं। अच्छा, पूर्व विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, और अब अच्छी बात है। तो आप ये उपचुनाव में अपने बोचहा विधानसभा के वोटरों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मतदाता वाली को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पिताजी शुरू से वहाँ के लोगों को सेवा किए हैं, और पिताजी का आदेश है, हम भी पिताजी के चरण कमल चिन्हों पर चल कर उस विधानसभा क्षेत्र के जनता मालिक को सेवा करेंगे। ये तो मंत्री जी का तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। इन्होंने तो 9 बार विधायक का सीट जीते, जीते में 8 बार मंत्री पद पर है, और बहुत ऐसे मंत्री पद पर रहे थे, इनकी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में कहना है कि हमारे पिताजी परम पूज्य दलित शोषित अकलियतों के मसीहा है, गरीब की आवाज़ों को उठाए हैं, गरीब की लड़ाई लड़े हैं, विभिन्न भूमिहीनों को जमीन दिए हैं, हर तरह से मदद किए हैं और कर रहे हैं। परम आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में काम किए हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी तेजस्वी भाई के साथ मिलकर काम करेंगे। देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके।